बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम मैनेजमेंट में लर्न करेंगे, दैट इज अ डिफरेंस अमंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड लेजिटिमेसी। ये तीनों टर्म मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में कंसिस्टेंटली इस्तेमाल की जाती हैं और इन तीनों के मतलब को हम अलग-अलग समझने की कोशिश करते हैं। आइए लर्न करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का उर्दू में मतलब है जिम्मेदारी। नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव? रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइंड जॉब टास्क इन गिवन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी काम को वक्त पर करना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपके ऊपर एक फर्ज है कि आपने जो भी काम आपको दिया गया उसको मुकर्रर वक्त पर करने का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मजीद देखते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, फंक्शन और एक्टिविटीज असाइन टू हिम। मींस के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी है किसकी? एक इंडिविजुअल की, एक सबॉर्डिनेट की, कि उसने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए जो भी इसको काम टास्क असाइन किए जाते हैं वो उसने परफॉर्म करने हैं। मोर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सम सर्टन टास्क बाय द इंडिविजुअल एज रिक्वायर्ड बाय हिज सुपीरियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन किस चीज का नाम है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी है, एक फर्ज है। किस चीज का फर्ज है? कि एक इंडिविजुअल ने जो भी उसको टास्क काम असाइन हुआ है फ्रॉम हिज सुपीरियर उनको करने का नाम है। लेकिन कब? विद इन अ टाइम फ्रेम, एक वक्त मुकर्रर वक्त में करने का नाम जिम्मेदारी है। तो हम दोबारा समझ लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम को मुकर्रर वक्त पर करने का नाम है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अकाउंटेबिलिटी। आइए इसको भी देखते हैं। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी मीन्स लायबल और आंसरेबल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यानी कि एहतसाब का मतलब क्या है? आपका जवाबदेह होना। अकाउंटेबिलिटी मीन्स टेकिंग ऑनरशिप ऑफ द रिजल्ट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड। अब जब देखिए कि आपको किसी काम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और वो टास्क आप करते हैं विद इन द टाइम फ्रेम, तो नाउ यू आर हेल्ड अकाउंटेबल। किस चीज का अकाउंटेबल? कि जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आप लेंगे, जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करेंगे टू कंप्लीट द सर्टेन टास्क, उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे आप उन रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल होंगे, आंसरेबल होंगे। आपने जवाब देना होगा कि जो तरीकेकार आपने अडॉप्ट किया वो क्यों किया, कौन से रिसोर्स आपने इस्तेमाल किए, कितने वक्त पर किया, वट एवर। आप हर एक बात के बारे में आंसरेबल होते हैं, यू आर हेल्ड लायबल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क और कंप्लाई विद द रूल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मुराद है? कि किसी काम को करने का नाम या किसी रूल को फॉलो करने का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि अकाउंटेबिलिटी क्या है? इट इंप्लाइज आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द टास्क और प्रोसेस। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? ये एक आंसरेबिलिटी है, जवाबदेही है किस चीज का, कि वट एवर यू डू, जो भी आप करते हैं आप उसके लिए आंसरेबल हैं। द नेक्स्ट टर्म इज लेजिटिमेसी। आइए इसको भी देखते हैं। व्हाट इज लेजिटिमेसी? द टर्म लेजिटिमेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेजिटिमस मींस लॉफुल। लातीनी जबान का लफज है लेजिटिमस और लेजिटिमेसी इसी से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कानूनी। लॉफुल मीन कानूनी। Legitimacy is the right and acceptance of an authority. अगर मैं आपको इसका उर्दू में मतलब बताऊं legitimacy का, तो इसका मतलब होता है कानूनी हैसियत। तो हम इस sentence को दोबारा पढ़ते हैं कि legitimacy is the right and acceptance of an authority. तो कानूनी हैसियत एक्चुअल में क्या चीज है? किसी अथॉरिटी का हक और उसको कबूल करने का नाम है। लेजिटिमेसी क्या है? मींस लेजिटिमेसी एक कानूनी हैसियत है किस चीज का? किसी भी अथॉरिटी का हसूल और उसको एक्सेप्ट करने का नाम है, दैट इज लेजिटिमेसी।
फॉर एग्जाम्पल आप रोड पर जाते हैं और एक ट्रैफिक सार्जेंट जो है वो हाथ के इशारे से आपको रोकने का इशारा करता है और आप रुक जाते हैं। इसका क्या मतलब है? द पर्सन हैज लेजिटिमेट पावर मीन्स उसके पास ये अथॉरिटी है, उसको ये अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, उसकी अथॉरिटी जो है जब उसे डेलीगेट की गई है वो उसके पास वो उसका राइट है बिकॉज द राइट हैज बीन गिवन बाय समबडी एल्स। किसी ने उसको ये ताकत दी है, डिपार्टमेंट ने उसको ये ताकत दी है कि आपने सिग्नल पे जाना है और ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। फिर अब हम जो है उसके एक इशारे के ऊपर हम रुक जाते हैं, व्हाट डज इट मीन? हमने उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज लेजिटिमेसी। ऑर्गेनाइजेशनल लेजिटिमेसी की अगर बात करें, इट इंडिकेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एक्सेप्टिंग सोशल मॉडल्स। मींस ऑर्गेनाइजेशन की कानूनी हैसियत क्या होती है? इससे मुराद यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म, वैल्यूज और माशर्ती जो सोशल जो मॉडल्स हैं उनको मानने के लिए या उनके ऊपर अमल पैरा होने की पाबंद है। ऑर्गेनाइजेशन में बकायदा रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं, एक फॉर्मलाइजेशन होता है, एक फॉर्मल वे ऑफ वर्किंग होता है जो एक लेजिटिमेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, उसकी अपनी कानूनी हैसियत होती है। होप यू अंडरस्टैंड। स्टे ब्लेस्ड।